ओह शिट, सारा असली घी दराज में गिर गया। कैसे चल रहा है ना माफी, मैं आज नहीं आऊंगी। गाइस बज रहे हैं सुबह के 8:30 और आज से मैंने अपना जिम ज्वाइन कर लिया है। तो कल जो मैं शूज लेकर आई थी वो मैं आज वेयर करने वाली हूँ। मुझे बहुत पसंद है, मुझे ना एक ऑब्सेशन हो गया है। और आप देख सकते हैं मेरी आवाज, मुझे ना अंदर से तबीयत फील हो रही है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो ये स्नीकर्स मैंने खरीदे थे अमित वाला है कोर्ट रोड पर, और क्योंकि धूप बाहर बहुत है तो ये सनस्प्रे लगाना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो अब मैं आ गई हूँ जिम स्पेस वे कोर्ट रोड। चलो लेट्स गो। ओ शिट, मेरा वेट 63.8 यानी 64 ही हो गया। अब मुझे इसको 55 पे लाना ही लाना पड़ेगा एट एनी हाउ। तो आज हम कर रहे हैं बाइसेप्स, तो मैं कर रही हूँ केबल ट्विस्टिंग कर्ल्स। तो जिम कर चुके हैं, अब हम पी रहे हैं प्रोटीन। तो मेरे शौहर मुझे डेली प्रोटीन बना कर देते हैं। ही इज सच अ काइंड मैन, थैंक यू बेबी, आई लव यू सो मच। तो हमारे जिम में डेली कोई ना कोई थॉट लिखा रहता है, जैसे स्कूल में लिखा रहता था। तो इसमें लिखा है पैसे के लिए सेहत बना रहे हो, कल पैसा होगा लेकिन सेहत नहीं होगी। वाह 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 वाह। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर पे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज ट्यूसडे है। तो मैं अपने शौहर को कह रही थी कि जब ट्यूसडे तो तुम्हें इधर से क्यों लाए तुम। अभी मेरे पेट में प्रोटीन का पानी है, आज आपने बहुत पानी मिला दिया था। तो इन बुजुर्ग अब्बा से नारियल नहीं कट रहा था तो मेरे शौहर ने ये काटा, फिर हमने पिया नारियल पानी। उसके बाद हम लोग आए सब्जी वाले की दुकान पे, यहाँ से हमने लिए अपनी सब्जियाँ। तो आज हमने जो अपने सोफाज बनने दिए थे तो वो आज सोफाज आ गए हैं। आजो आजो इधर आजो। और काफी ज्यादा भारी हैं और काफी ब्यूटीफुल भी लग रहे हैं। तो ये सोफाज हमें बनवा कर दिए हैं एम नमरा हैंडीक्राफ्ट ने, जो कि शारिक भाई का है। बहुत अमेजिंग और बहुत ब्यूटीफुल सोफाज इन्होंने हमें बनवा के दिए हैं, क्वालिटी लेवल टॉप नॉच है। तो मैंने इनका नंबर और इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पर लिख दी है। आपको जिसको भी अपना दहेज बनवाना है या कुछ भी फर्नीचर बनवाना है तो आप इनको ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। नीचे 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 नीचे, आज ही बाइसेप्स किए हैं आपने। चलो मैं हेल्प करूँ। देखो नस्से खड़ी हो गई सारी। कोई बात, अनबॉक्सिंग। ओ शिट, सारा असली घी दराज में गिर गया। कल मैं शूट कर रही थी ना असली घी का डब्बा, अबे यार ये सारा। क्या हुआ? देखो तो कैसे चूरा है ये। बहुत ज़्यादा हो गया। एक स्पून ला सकते हो? यार मेरे सारे स्पॉन्ज देखो कैसे भीग गए। तो इतना सारा घी देखकर पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसको स्पून से निकाल लूँगी, लेकिन फिर यार जब मैंने देखा ना उसके अंदर काफ़ी डस्ट आ रही थी वुडन की, तो मैंने सोचा कि छोड़ो अब तो ये वेस्ट हो ही गया। फिर मैंने उसके अंदर अपना फेस टाल डाल के उसको पूरा एब्जॉर्ब किया, क्योंकि एक टाल ही है जो उसको एब्जॉर्ब कर सकता था। बाकी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने अपने लिए कुछ एंटीक आइटम्स मंगाए थे अपने रूम के लिए, जो कि था ग्रामोफोन और एक टेलीफोन। तो उसके बाद हम ग्रामोफोन की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये बिल्कुल असली ग्रामोफोन है, कभी आप लोग समझो कि नकली है। देखो प्रॉपर मशीन भी है इसके अंदर, चलता भी है, अभी चला कर दिखाएंगे आपको। फिर क्योंकि इसकी ना सेटिंग्स होती है प्रॉपर, इसके जो इसमें जो नट्स होते हैं वो प्रॉपर टाइट एंड लूज़, वो पापा को ही सिस्टम पता है। तो पापा वो सब कर रहे हैं, इसकी फ़िटिंग कर रहे हैं। और इसके साथ ना इसकी जो नीडल्स होती हैं वो भी काफ़ी सारी नीडल्स आती हैं। तो ऑलमोस्ट ये सेटअप हो चुका है। तो अब आए हैं मेरे ऑर्डर्स, तो चलिए पहले इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो पहले तो आया है ये वाला आउटफिट, जो कि मुझे बहुत प्यारा और
खूबसूरत लग रहा है। फिर आए मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जिसके बिना मैं रह नहीं सकती, मेरा ये पिक्सी टोनर, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टोनर है। उसके बाद हम गए साइबर क्राइम। तो गाइज आपको लगता है आप फेक आईडी बनाकर किसी को भी कुछ भी बोल दोगे और सब चल जाएगा, ऐसा नहीं है। साइबर क्राइम बैठी है उसके लिए, पुलिस बैठी है उसके लिए। तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन दी एक फेक आईडी के ख़िलाफ़ और उनके ऊपर सहारनपुर पुलिस ने बहुत ही अच्छी कार्यवाही करी। उनको बुलाया गया, उन्होंने माफ़ी मांगी और उनकी मम्मी उनको स्कूल की ड्रेस पहना कर लाई थी ताकि पुलिस वालों को ये लगे कि लेकिन उनके कंधे पर बंदूक कोई और चला रहा था। तो ये पूरी कहानी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो उन्होंने माफ़ीनामा लिख के दिया कि वो आज के बाद कभी कुछ भी गलत फेक आईडी से नहीं कमेंट या मैसेज करेंगी। तो मैंने कार्यवाही रोक दी, मैंने उनको माफ़ किया। हम आ गए घर पर और मैं अपनी किटी के लिए अपना ये पेडिग्री लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने नोट किया था मेरी किटी ना दूध नहीं पी रही है। जब भी हम चिकन या अंडे खाते थे तो वो एकदम वही खाने आ जाता था। तो मैं समझ गई थी कि अब ये मर्द हो गया है, मर्द आदमी बन गया है, अब ये खाना खाएगा, अब ये दूध नहीं पिएगा। ऐसा लग रहा है जैसे नीदा फातिमा कैसे चल रहा है, मैं आज नहीं आऊंगी। मुफासा को दिखा दो पहले, मुफासा को दिखा दो पहले। मुफू का टेलीफोन है ये, मुफू का टेलीफोन है, देखेंगे। सो गाइज इस केस को लेकर मैं पूरा एक महीने से उलझ रही थी। मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको एक कहानी बताऊंगी, तो वो मुझे वक्त नहीं मिला। तो फाइनली अभी केस सॉल्व हो गया है, उन्होंने माफ़ी मांग ली है। तो अब हम प्लान कर रहे हैं मसूरी जाने का और अब मैं कर रही हूँ शॉपिंग, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करना है। मसूरी जाकर थोड़ा सा पहाड़ों की वादियों में घूमना है। उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ कोर्ट रोड शॉपिंग करने के लिए। कुछ आउटफिट्स मुझे लेने थे जो कि मैंने इनको कहा कि मुझे कुछ मॉडेस्ट आउटफिट दिखाइए। तो ये मुझे ये मॉडेस्ट में ही दिखा रहे थे, बट मुझे चाहिए थी फुल स्लीव्स, क्योंकि मुझे मैं हाफ स्लीव्स पहनना प्रेफर नहीं करती, मैं फुल स्लीव्स। ये भी अच्छा लगा, इसमें ब्लैक ले सकते हैं, इसके साथ हम ब्लैक ले सकते हैं। हाँ ये जो पूरा वो लूज, हाँ वही चाहिए हमें ब्लैक। इस टाइप की जीन्स नहीं पहनेंगे उसके साथ, उसके साथ प्लेटेड वाली जो लूज आती है ना, वो ट्राउजर। नहीं इसमें हम लाइट लेंगे, जो भी कुछ लेंगे इसमें लाइट कलर बहुत अच्छा जाएगा। अगर कुछ लाइट में है तो निकलवाओ। तो अभी काफ़ी रात हो गई थी, सुबह को हमें मसूरी निकलना है, तो मैंने ये वाली शर्ट ली है। बाकी हमने डिसाइड किया कि हम मॉल से ही खरीदेंगे, देहरादून मॉल से जो भी कुछ रहेगा। फिर मैं आई हूँ सलोन, तो मैं अपना जो भी मेरे हेयर हैं उनको मैं ठीक करा रही हूँ। तो तुम्हारी मम्मी मुझे मिस कर रही, मतलब याद करती हैं। मीठी मार देना, और कि हम इतने खिलाफ हैं दहेज के लिए कि अगर तुमने कोई बात भी कर ली ना दहेज की तो मैं अपना सर फोड़ लूंगी। और लेकिन उन्हें चाहिए सब कुछ होता है। अभी मेरे हस्बैंड को नहीं पता है कि मैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन कराने वाली हूँ, मैं उनको सरप्राइज दूंगी, उनका रिएक्शन देखेंगे क्या आएगा। तो क्योंकि रात हो चुकी थी तो भाई ने मेरे लिए ये कुरकुरे मोमोज और कॉफ़ी मंगाई, थैंक यू सो मच। और मेरे हस्बैंड को ये तो पता है कि मैं हेयर कराने गई हूँ क्योंकि ऊपर से वो ख़राब हो गए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैं इनका क्या हाल कराने वाली हूँ। तो मैं फाइनली आ गई हूँ घर। तो आप क्या क्या लाए? मैं लेके आया हूँ वाइट कॉर्सेट, कॉर्ड सेट दिखाओ। तो हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि कल हम मसूरी जाएंगे और आप ये पहनेंगे, हम ये पहनेंगे। मैं उनको अपने कपड़े दिखाने लगी, वो मुझे अपने कपड़े दिखाने लगे। अचानक से मम्मी पापा की कॉल आई कि तायब्बू हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आईसीयू में एडमिट है, और हम सब घबरा गए और हम फौरन उनके पास हॉस्पिटल गए उनको विजिट करने के लिए। और इसी वजह से हमने मसूरी का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि तायब्बू एडमिट हैं। और सो मेरी एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि आप बिस्किट ना खिलाया करें, आप इंस्टेड आप रोटी खिलाया करें। तो मैं आज उनकी बात मानती हूँ कि चलिए मैं अपने डॉगीज़ को
जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको मैं इंस्टेड ऑफ बिस्किट्स मैं आज रोटी खिलाने जा रही हूँ, तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। क्योंकि उन्होंने बोला था कि इनसे इनका पेट नहीं भरता, बिस्किट से और रोटी से उनका पेट भी भर जाएगा और एनर्जी भी आएगी। दो ही कुत्ते हैं और लोग कहाँ हैं? ले छुटकू। इतने सारे डॉगीज आ गए। तो रोटी तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है बट लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी भूखे हैं, क्योंकि ये लोग ना एक दूसरे को नहीं खाने देते, तो मैं अब इनको बिस्किट दूंगी। एंड दे आर स्टिल वेटिंग फॉर मी आउटसाइड। यार ये मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं, सच में मुझे इतना गुस्सा आता है।